सालों बाद पता चल रहा है भी बाबा साहब हमारे लिए ये करते रहे थे। आप किसने छुपाया? इन पॉलिटिकल लोगों ने छुपाया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, मैं भी पार्टी से संबंध रखता हूं, लेकिन किसी दिन जिस दिन बात आई मैं कहूंगा बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का दिया हुआ है और ये देश हमारा है दोस्तों। अगर ये लक्ष्मी देश को बचाना है, मेरा एक साथी बात करके गया 85%, आई डोंट वांट 85%, आई वांट 33%। मेरे हिंदुस्तान के जो मेरे साथी है 33% है, 33% से सरकार बनती है। अगर 33% एक तरफ जाएंगे तो हमारा सरकार होगा, हमारा राज होगा दोस्तों। क्योंकि पैसा, आर्थिकता एक बहुत बड़ी बात है। आज मुझे मौका मिला है, मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा, खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनवाल जी, चावड़िया जी, मेरी बहन मोहिनी जी, मुझे खुशी होती है। अरे लोग हमें यह मत समझे कि हमें रिजर्व सीट चाहिए, ये मेरी बहन देखो जनरल सीट से जीत कर आई है। हमारी कुछ स्थिति ऐसी होनी चाहिए भी लोग हमें देखे भी ये लोग कुछ हमारे देश के लिए कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों 3 करोड़ रुपए गिने नहीं जाएंगे, आप सारे लगेंगे 2-3 घंटे लग जाएंगे। मेरे घर पे बलेरो गड्डी 84-80 नंबर जिसका, शिवलाल घोड़ा की, कहता निकाल ले पैसे यार मेरे जान छोड़ दे। मैं 3 करोड़ में नहीं बिका, लेकिन आज मुझे खुशी है मैं लोगों की आज इस स्टेज पे खड़ा हूं। मुझे चावड़िया जी जानते नहीं थे, ना मुझे जीनवाल जी जानते थे, उस पहचान ने मुझे यहां पहुंचाया है। और मैं चाहता हूं ये जो लोग बैठे हैं सारे वो मेरे जैसे हैं, इनको पता है राजनीति में जाना भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति में जब तक हम जाएंगे नहीं हमारा वजूद नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों जब कोई किसी भी पार्टी किसी हमारे आदमी को टिकट देती है तो ये मत सोचो ये बीजेपी है या अकाली है, कांग्रेस है, ये फलां फलां है। अरे ये देखो कौन है। कल भी जब सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने जो अभद्र टिप्पणी करी है, अभी अभी नाम लिया था रतलाम से, वो मैं भी उन साथियों से काफी प्रभावित हूँ, खुश हूँ भाई, उनको देखकर मैंने भी वो मुद्दा वहां उठाया होर के अंदर। और कल प्रोग्राम आज अखबार में भी आया, परसों भी आया था, और मैं फेसबुक पर भी जिंदगी में फर्स्ट टाइम लाइव हुआ था दोस्तों। 8 महीने हो गए फेसबुक को चले हुए, मुझे ऐसे फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं है। मेरे जीवन का एक मकसद है भी बाबा साहब ने जो सपना लिया था, बाबा साहब ने जो ख्वाब देखे थे हमारे दलित भाइयों के लिए, उन्हें पूरा करना है दोस्तों। दोस्तों इसमें डरने की जरा भी कोई बात नहीं। पंजाब से आया हूँ, पंजाबी ना बोलूंगा तो बात नहीं बनेगी। हमारी जो कतार है इतनी लंबी है वो काटने से भी खत्म नहीं होगी। क्या हुआ अगर गोपी चंद सांदर चला जाएगा? मुझे पता था वहां 1000 गोपी चंद सांदर जिंदा हो जाएंगे, अगर वहां मुझे काटते तो 1000 जिंदा होते। इसलिए मुझे कोई अपनी जिंदगी का जरा भी वो नहीं है। इसलिए दोस्तों अब कुछ बात करेंगे हमारे संगठन के बारे में। संगठन अपना बहुत बढ़िया और बहुत ही ईमानदार लोग है दोस्तों, और मैंने तो थोड़ा देर में, क्योंकि मैं काम काफी काम है, मैं जत्थेबंदी में बाकी में भी काम करता हूं, लेकिन एक बात जो जामड़िया ने मुझे कही मैंने उसे पल्ले बांध लिया। मैंने अपने जो अभी फार्म अपने पास आए 50 रुपए वाले, ये मैंने छपवा लिए है मेरे, और मैंने सिर्फ 13 फार्म भरे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब मैं आपके पास यहाँ दूसरी बार आके बोलूंगा तो 25,000 फार्म मेरे भरे होंगे पंजाब। आज मैंने 13 ही भरे हैं, उसके बिना, क्योंकि 50 रुपए देते हैं संगठन को, जो 50 रुपए देगा उसको लगेगा भी ये संगठन कुछ है, उसके लिए हमें भी अपना टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा। मैं भी ड्यूटी छोड़ छोड़ के जाता हूँ, कोई बात नहीं देख लेते, मैं डरा दमा के रखता हूँ। अरे अपने पास ताकत बहुत है, जो इतना बड़ी बड़ा अधिकारी हो हमारे से डरता है, क्योंकि हमें एक 47 दी है बाबा साहब ने, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, चिंता मत करो, जो मुलाजिम हो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसे झुकना ही पड़ेगा। इसलिए
समाज के लिए कार्य करने के लिए अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाना पड़े, किसी को दबाना पड़े, तो कोई बुरी बात नहीं है। हम तो 5000 सालों से दबे आ रहे हैं। हमें पीटा गया, हमें मारा गया, हमें लूटा गया, अब जाकर हमें मौका मिला, हमें समझ पड़ी है। लेकिन आप क्या सोचते हो, ये शिल्पा शेट्टी ऐसे बोल रही है? कभी कोई किसी समाज के बारे में बोल रहा है कभी? नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी साजी सही। ये पीएम साहब को भी पता है, हमारे सीएम साहब को भी पता है, ये चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर बाबा साहब के वो गुण है या नहीं है, कहीं बाबा साहब की किताबें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, वो देखना चाहते हैं। अब प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कर दिया रतलाम से, उन्होंने कर दिया भाई साहब ने, सुरेंद्र जी ने, और आगे आगे करते जाएंगे तो कम से कम इन्हें पता लगेगा कि लोग जाग रहे हैं। अगर जाग जाओगे तो देश में राज हमारा होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।